नागरिकता कानून पर पूरे देश में हंगामा मचा रही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी ने सीधी और बड़ी चुनौती दी है। झारखंड में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस समेत उन सभी दलों को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे खुलकर घोषणा करें कि वे पाकिस्तान से आने वाले हर पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। देश उनका हिसाब चुकता करेगा। कांग्रेस में हिम्मत है तो वो ये भी घोषणा करे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वे फिर से आर्टिकल 370 लगवा देंगे। उनमें हिम्मत है तो कहे कि वे 3 तलाक कानून को रद्द कर देंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। यही वह कांग्रेस है जिसने अवैध तरीकों से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया और उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपको ये भी समझना होगा कि कहीं कुछ पार्टियां कथित अर्बन नक्सल और अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। आपकी बर्बादी के पीछे इनका षड्यंत्र तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।